मेरे लिए क्या लाया। तो भगवान श्री कृष्ण से सुदामा जी ने कहा कि मैं कुछ नहीं लाया। क्यों? क्योंकि साहस न जुटा पाए, सोचने लगे सोने के थाल में खाने वाले को, 56 भोग लगाने वाले को मैं ये 4 मुट्ठी चावल देता हुआ अच्छा लगूंगा क्या। संकोचित हुए, छुपा लिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने पोटली देख ली है और खींची है, पलंग पर चावल बिखर गए हैं। परीक्षित भगवान ने एक मुट्ठी, दो मुट्ठी इस प्रकार से भक्षण किया है जैसे कि भगवान न जाने कितने युगों युगों से भूखे हों। ऐसे भगवान ने वो चावलों को खाया है। भगवान ने सुदामा के चावलों को नहीं खाया, सुदामा के चावलों को भगवान ने अपने दांतों से नहीं दबाया, ये समझना चाहिए। मानो साक्षात दरिद्रता को ही भगवान ने अपने दांतों के नीचे मसल डाला और सुदामा को सारा वैभव, संपत्ति, त्रिलोकी का सुख प्रदान भगवान ने कर दिया है। भगवान ने सुदामा जी की दरिद्रता को चबाया है। और भगवान ने चावल छीन के क्यों खाए? जब अगला आदमी कह रहा है कि मैं कुछ नहीं लाया, इसका मतलब देना नहीं चाहता, तो भगवान श्री कृष्ण ने चुरा कर क्यों खाया? यही तो ठाकुर जी की विशेषता है। भक्त के जीवन में यदि कोई गलती हो रही हो तो ठाकुर जी जबरदस्ती सुधार करते हैं, ऐसे नहीं छोड़ते कि गिर गया तो गिर गया। क्यों? क्योंकि पहले भी मेरे हिस्से का खाया था तो दरिद्रता बनी, जानते हैं आप कथा। आज भी खा लेगा तो मेरे भक्त के आगे का जीवन कहीं खराब ना हो जाए, इसलिए भगवान ने खाए। लेकिन एक बात बताऊं, बहुत सुंदर, सुदामा जी ने को जो दरिद्रता मिली है क्यों मिली है बताओ? भगवान का क्या खा लिया था? कौन कौन जानता है, हाथ खड़ा करो। भगवान के हिस्से के क्या खा लिए थे? चने। इसका मतलब मेरे कन्हैया इतने निष्ठुर हैं कि अगर इनके हिस्से के कोई एक चने भी खा लेता है ना, तो भगवान उसको दरिद्रता दे देते हैं। ऐसा संभव है क्या? इतने कठोर तो नहीं हो सकते। अगर ऐसे होते तो सबसे बड़ा दरिद्र तो ब्राह्मण होता, क्योंकि आप मेरे प्रभु को चढ़ाते हो और वो पाते कौन है, हम लोग तक ही तो पहुँचता है। तो इतने निष्ठुर तो प्रभु नहीं हो सकते, कारण कुछ और है, सुना दें। तो देखिए हुआ क्या था, अन्य पुराणों की कथा है। हुआ क्या था, जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी द्वारिका में, उज्जैन में सांदीपनी गुरु के यहाँ पढ़ते थे, एक बार की बात है कि दुर्वासा ऋषि उस आश्रम के आगे से जा रहे हैं, भूख लग रही है, दोपहर का समय है। दुर्वासा जी ने गुरु माता से कहा, आश्रम में कुछ है खाने पीने को? उस दिन आश्रम में अन्न नहीं था, क्योंकि ब्राह्मण का घर ऐसा ही होता है, कभी तो अन्न धन की कोई कमी नहीं होती और कई बार बहुत दिन तक अन्न नहीं भी होता। आकाश वृत्ति होती है ब्राह्मणों का जीवन, क्या होती है? आकाश वृत्ति। तो गुरु माता ने ये सोचा कि आज तो केवल दो मुट्ठी अन्न ही द्वारिका में, गुरुकुल में है, अगर ये दो मुट्ठी भी मैंने दुर्वासा जी को दे दी तो आज कृष्ण और सुदामा जी ने वन में समीधा बिनने के लिए जाना है, अन्य बच्चे तो भूखे भी रहेंगे तो चलेगा, लेकिन जो वन में समीधा बिनेगा, श्रम होगा, तो उसको भूख भी लगेगी। तो दो पोटली चने की बनाई हुई थी सुदामा जी और कृष्ण के लिए, इसलिए झूठ बोल दिया दुर्वासा जी को कि आज गुरुकुल में अन्न, बोलो, नहीं है। दुर्वासा जी जाने लगे, अंतर्यामी हैं, थोड़ा आगे 4 कदम चले तो ये दो पोटली चनों की दुर्वासा जी के आगे नाचने लगी। तब दुर्वासा जी रुके, अच्छा दो मुट्ठी चनों की होने के बाद भी झूठ बोला कि अन्न नहीं है, शाप देता हूँ, जो इस दो मुट्ठी चनों को खाएगा वो जीवन भर दरिद्र हो जाएगा, उसको खाने के लिए भी अन्न प्राप्त नहीं होगा। और शाप देते हुए किसी ने नहीं सुना, सिर्फ सुदामा जी महाराज ने शाप देते हुए सुन लिया। और जो वो दो पोटली थी, जब गुरु माता तो अनभिज्ञ थी इस बात से, गुरु माता सुदामा जी के हाथ में एक पोटला रखती है, सुदामा लो समीधा बिनने के बाद दोपहर में खा लेना, दे दिया। और जब जाओ कृष्ण को बुलाकर लाओ तो देखो, समझिए भक्त और भगवान का रिश्ता कैसा होता है, केवल अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए नहीं, भगवान की के भी सुख का स्मरण रखना चाहिए। सुदामा जी ने कहा, अरे मैया मैं कृष्ण को दे दूंगा, अरे नहीं उसके हाथ में दे दूंगी, नहीं नहीं आप मुझे दे दीजिए, मैं दे दूंगा।
सुदामा जी ने दोनों पोटलियां अपने पास रख ली हैं। वन में समिधा बिनी, दोपहर का समय हुआ, भोजन का समय हुआ, और सुदामा जी महाराज ने भगवान श्री कृष्ण से निगाहें बचाकर, नेत्र बचाकर, दृष्टि बचाकर एक वृक्ष में चढ़ गए हैं कहीं कृष्ण देख ना ले। और सुदामा जी ने दोनों पोटली खोली, एक पोटली अपनी खाई, और जब कृष्ण की जो पोटली थी, गुरु माता मुझे क्षमा करना और हे द्वारिकाधीश मुझे क्षमा करना, मैं ब्राह्मण यदि इस पोटली को खाकर दरिद्र बन गया तो मैं तो ब्राह्मण हूँ, हाथ फैला भी लूँगा तो मेरा इतना तिरस्कार नहीं होगा, लेकिन हे द्वारिकाधीश अगर तुमको मैंने ये पोटली दे दी, मैं अपने मित्र को कभी दरिद्र नहीं देख सकता। इस भाव से सुदामा जी महाराज ने जानबूझकर भगवान श्री कृष्ण के हिस्से की भी पोटली खा ली और भगवान श्री कृष्ण को दरिद्र होने से बचा लिया। ये है भक्त और भगवान का रिश्ता, जहाँ पर भगवान के भी सुख का स्मरण होता है।